हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मेरे फुट की सर्जरी के लिए। सो ये उसके आगे की अपडेट है। सो एडमिट होने के बाद मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको पहले फिजियोथेरेपी लेनी होगी, क्योंकि मेरे मसल्स जो है पैर के बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है। सो फर्स्ट 15 डेज तक मैंने फिजियोथेरेपी ली, उसके बाद सारे मैंडेटरी रिपोर्ट्स करवाने के बाद मेरी सर्जरी हुई है। सो ये जो सर्जरी थी ये मेरी 7th सर्जरी थी। इससे पहले मेरी और 6 सर्जरीज हो चुकी है लेग की। सो मैं थोड़ी सी नर्वस थी, अपसेट थी, मतलब कि यार, मतलब क्योंकि मुझे पता है ना कि सर्जरी के बाद कितना पेन होता है, क्या क्या सहना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। सो ये मेरी सर्जरी के बाद का वीडियो है जो मेरी मॉम ने रिकॉर्ड किया था। सो आप लोगों से ना एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप आपके घर में 2 वक्त का खाना खा रहे हो ना सुकून से बैठ के अपने फैमिली के साथ, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, सच में। क्योंकि ना हॉस्पिटल में लोग ऐसी तकलीफ़ों के साथ है ना जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, ठीक है। और इंसान को अपनी तकलीफ है ना खुद ही सहनी होती है। कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार, जो भी कोई है, वो आपको सिर्फ तसल्लियाँ देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको तसल्ली देंगे, लेकिन आपका दर्द जो है ना वो आप ही को सहना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया क्या बोलती है, रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो खुशी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। मैं अपना 5 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो कुछ मैंने 5 साल में सहा है ना, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये बता रही हूँ कि इंसान को हमेशा अपनी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप दूसरों की खुशियाँ खा लें, लेकिन हमें हमारी खुशियों का सोचना चाहिए, हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। कोई दूसरा इंसान हमें आके ना बताए कि हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा खाना खाना है, कैसे कौन सी जॉब करनी है, कौन सा करियर स्ट्रीम लेना है, ये सब हमारा डिसीजन होना चाहिए, ओके। सो एनीवेज मैंने बहुत ज्ञान दे दिया। सो ये फिर उसके बाद सर्जरी के कुछ 1 वीक बाद डिस्चार्ज हो गया था। ये पूरा मैंने वीडियो एक साथ कंबाइन करके डाला है, क्योंकि एक एक दिन का वीडियो ऐसा डालना, मुझे इतना वॉइस ओवर करना पॉसिबल नहीं होता है। सो पूरे एक हफ्ते बाद मुझे डिस्चार्ज मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तब तक मैंने वो बीच के का वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, बिकॉज मुझे बहुत पेन हो रहा था यार, एक सर्जरी के बाद कितना पेन होता है, क्योंकि कट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें होती है, तो वो सब रिकॉर्ड्स नहीं किया मैंने। उसके बाद मैंने फीडबैक शेयर किया एंड या दैट वाज प्रीटी मच इट। आई एम गोना सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।